हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। मैंने आपको 14 से पहले बता दिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, वेयर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 आर एक्यूट एंगल्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री हो, जहां 3 थीटा और थीटा माइनस 6 जो है वो न्यून कोण है, तो आपको ज्ञात करना है थीटा का मान। ठीक है, तो हमने यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूले पढ़े हैं, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर साइन है और यहाँ कॉस है, हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस आ जाएगा, और कॉस को 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन। तो यहाँ पर अपन साइन 3 थीटा को चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम कॉस 90 माइनस 3 थीटा और इक्वल में है कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस 3 थीटा करने पर वापस क्या आ जाएगा, साइन 3 थीटा, कोई चेंज नहीं, चाहे ऐसा लिखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या, दोनों साइड में कॉस और कॉस कितने हमें, इसका मतलब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से बचा अपने पास में थीटा माइनस 6 डिग्री। ठीक है, फिर थीटा एक साथ और जो वैल्यूज है वो सारे एक साथ, 90 माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 इक्वल टू थीटा, ये इधर आएगा तो प्लस 3 थीटा, 3 थीटा प्लस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 थीटा और ये हो जाएगा 96। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, 96 अपॉन 4, 4 टू जा 8 और 4 फोर जा 16, तो थीटा इज इक्वल टू 24 डिग्री अपना आंसर। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ A, B and C are interior angles of triangle ABC, then prove that tan B plus C upon 2 is equal to cot A upon 2. Very very important question for board examination. अच्छा question है exam के लिए। यदि A, B तथा C त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं, तो सिद्ध कीजिए कि tan B plus C upon 2 is equal to cot A upon 2, ये आपको लाना है। ठीक है, दोनों मीडियम में ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश और हिंदी में। अब आपको LHS लेके चलना है और आपको क्या लेके आना है, RHS। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, A, B and C are interior angles, A, B और C जो है वो एंगल है किसी ट्राइंगल के। हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देन A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, इसलिए A प्लस B प्लस C बराबर 180। सिंस एंड देयर, अब आपको जो प्रूव करना है उसको आप देखेंगे, B प्लस C आपको एक तरफ चाहिए और RHS में चाहिए A, तो इस A को आप इधर ट्रांसफर करेंगे, B प्लस C इज इक्वल टू 180, इधर इधर आएगा तो माइनस A। ठीक है, फिर आपको B प्लस C के अपॉन में 2 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 से, दोनों पक्षों को 2 से भाग देने का, तो B प्लस सी अपॉन 2 और इक्वल में 180 अपॉन 2 और माइनस A अपॉन 2। ठीक है, B प्लस सी अपॉन 2 180 अपॉन 2 है यहाँ पर, तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसको, लेकिन 180 अपॉन 2 से हो गया 90 माइनस A अपॉन 2। B प्लस सी अपॉन 2 के साथ में क्या चाहिए, 10, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड में हम 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 90 माइनस ए अपॉन 2, 10 बी प्लस सी अपॉन 2 आ गया जो हमें चाहिए, यहाँ पर कॉट चाहिए, तो आप ये तो ऐसा कैसे लिखोगे, 10 बी प्लस सी अपॉन 2 tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, cot थीटा, यहाँ आ जाएगा cot और थीटा की जगह पर क्या आएगा, a अपॉन 2, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूव, क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा, वेयर 2 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यदि cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा हो,
जहाँ टू थीटा और फोर थीटा न्यून कोण है, तो आपको यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर वही चीज साइन और कॉस साथ में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी हम साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर ये गिवन है, सिंस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू साइन फोर थीटा, यहाँ पर कोई बात कहूंगी मैं कि दोनों में से किसी एक को आप चेंज करो, तो यहाँ पर इस कॉस थीटा को हटा के मैं साइन 90 माइनस टू थीटा लिखूंगी और इक्वल में क्या है साइन फोर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वापस क्या आ जाएगा कॉस टू थीटा आ जाएगा, तो चाहे ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा लिखने से हुआ क्या साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बचेगा सिर्फ 90 माइनस टू थीटा इज इक्वल टू फोर थीटा। अब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा को इधर भेजेंगे तो 90 इज इक्वल टू फोर थीटा प्लस टू थीटा, तो 90 इज इक्वल टू सिक्स थीटा और थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन सिक्स, यहाँ पे हो जाएगा सिक्स वन जा सिक्स और सिक्स फाइव जा थर्टी, तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री अपना आंसर, ठीक है।